भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं, देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भलीभांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे, यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया, ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे, बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था, व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी, कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी
बस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली NCR और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है।